हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूं कि एमपी गोपाल शेट्टी आज हमारे चैनल पे काफ़ी क्रोधित हुए। उनका कहना था कि हमारे चैनल ने कांग्रेस से कॉन्ट्रैक्ट किया है बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए। दरअसल ऐसा क्यों हुआ, हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। आज जुलूसवाड़ी जो एरिया है, यहाँ पे पानी के लाइन का ओपनिंग था। यहाँ पे काफ़ी एरिया है जहाँ पे पानी की तकलीफें थी, इसका इन्होंने सर्वे किया है। सर्वे में किस तरह, सर्वे के अंदर बताया गया है कि किस तरह लोगों को पानी दिया जाएगा। कुछ समय लग रहा था, किसी में ज़्यादा और किसी में कम। इसको देखते उन्होंने कहा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, आधे लोग को जल्दी पानी दिया जाए और जिसमें समय लग रहा है उसके लिए कुछ देर तो उनको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। इसी टॉपिक पे हमने उनसे कई सवाल किए, जिसकी वजह से एमपी गोपाल शेट्टी हम पे काफ़ी भड़क गए और इन्होंने यहाँ पे अपने कई कार्यकर्ताओं का स्वागत भी किया। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। समीर, आप देख रहे हैं समाज खबर हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं जुलूसवाड़ी में, यहाँ पे हमारे एमपी गोपाल शेट्टी जी हैं जो कि पानी के लिए काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे पानी कब तक चालू होने वाला है और पानी का जो लाइन है बिछा के एक साल हो चुका है लेकिन अब तक चालू नहीं हुआ, उसकी क्या रीज़न है, उनसे हम जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आपने बताया कि जुलूसवाड़ी, अम्बोजवाड़ी और आजमी नगर, ये सारे परिसर को ये पानी के लाइन में से पानी मिलने वाला है जी। आधा काम हो गया है, आधा बाकी है जी। तो आज हमने ये निर्णय लिया है कि जो आधा लाइन हो गया वहाँ पर कैप करके यहाँ पर हम पानी देना शुरू कर देंगे। लेकिन किस तो ये एक महीने में पानी मिलना शुरू हो जाएगा लोगों को, 25,000 लोगों को यहाँ का एक महीने में पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और बाकी का काम वो 6 महीना बोल रहे हैं लेकिन गोपाल शेट्टी अगर आ गया है तो उसको 4 महीने में पूरा कराने का कोशिश मैं करूँगा ताकि ये पूरा एक पैकेज होकर सारे लोगों का पानी का प्रॉब्लम यहाँ का सॉल्व हो जाएगा। तो सर, ये जो पहला स्टार्ट हो रहा है वो कुछ ऐसे ही हो रहा है? हाँ, अभी ये जो हो रहा है ये कहाँ गए, कोरे जुलूसवाड़ी, रातोड़ी, आजमी नगर, ये इतना एरिया को अभी एक महीने में पानी मिल जाएगा। एक महीने में पानी मिल जाएगा। और बाकी कौन कौन सा एरिया पेंडिंग रह जाता है? बाकी का आजमी नगर के आगे सेंट पॉल है ना, जो आजाद नगर, हाँ, गोसिया कंपाउंड, ये सारे लोगों को सेकंड फेज में मिल जाएगा। मतलब उसका भी काम शुरू है, अभी काम शुरू है, पास हो गया है, पाइप भी सब गिरा हुआ है लेकिन मैन्युअली जब काम करने में जो समय लगेगा वो लगेगा। एक 4 महीने में पूरा करके मुझे लगता है कि अगले बारिश के पहले पानी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर, वैसे भी यहाँ का कहना है कि जो भी यहाँ का काम होता है एमएलए का नाम आता है, तो बीजेपी के आप हमारे एमपी हैं तो आपका जो हक बनता है ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए है प्रति, मतलब उनका कहना है कि आपको ज़्यादा काम, आपको ज़्यादा यहाँ विजिट करना चाहिए, आप बहुत कम आते हैं, इसके ऊपर क्या रीजन है? कोरोना के समय में इसके अलावा सर हमने कहा, इसके देखो मैं जो यहाँ पर आता हूँ, देखिए सीधी बात है, जो एमएलए कुछ आने वाले लोगों को एमएलए ही पसंद आता है जी। जो एमएलए को नहीं चाहते उनको गोपाल शेट्टी पसंद आता है। ये झगड़ा एमएलए और एमपी का नहीं है जी। मेरा काम करने का शौक है जी। मैं काम करता हूँ और निश्चित लोगों ने भी उसका समर्थन हर बार किया है, एक बार नहीं तो 7 बार किया है, इसलिए पोस्टर कौन लगाता है। और मैं बहुत खुलकर बात बताना चाहूँगा, वो एमएलए है तो वो भी तो कुछ ना कुछ चिट्ठी बिट्टी लिखना है, वो काम करते रहते हैं ना। एमएलए की क्यों बात करते हो, नगर सेवक है वो भी तो करता होगा। कुल मिलकर हर काम में अगर यहाँ मलयालम विधानसभा देखा जाए तो सिर्फ एमएलए का ही नाम आता है, ऐसा लगता है कि एमपी यहाँ से तो घूम गया है। कई लोगों कहना है कि उनका तो विजिट कभी होता नहीं, वो गायब हो चुके हैं। ऐसा कौन, कुछ लोग तो मिस्टर इंडिया भी बोलते हैं। अरे वो आप जैसे अभी मेरे को तुम्हारा टीवी के ऊपर ही ज्यादा जोर है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। किस चीज का सर? तुमने ये कांग्रेस वाले से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया ये शूट करके बताने का? जी नहीं सर जी, वो मेरा बता रहा है, तुम्हारा भी फोटो आ रहा है जी। तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग जो लेते हो ना इसमें सब समाज का नुकसान होता है। ये सब क्यों धंधा करते हो तुम लोग? आगे अपने यहाँ के आगे मलोनी के विकास के लिए आगे आपका क्या है? मलोनी का विकास जरा ये भी दिखाओ, रोज कितना झोपड़ा बन रहा है, ये भी तुम्हारा मीडिया का काम है ना। तुम लोग बोलते हो हम चौथे स्तंभ है, तुम क्या कौन सा चौथे स्तंभ का काम करते हो? तुम गांजा बेचने वाले को पकड़ाते नहीं हो, तुम पाकिट मार यहाँ पर उनको पकड़ाते नहीं हो, तुम यहाँ पर चालियाँ बनाते हो उसको पकड़ाते नहीं हो, हाँ। और तुम इस तरह की बात कर एक जनप्रतिनिधि यहाँ पर काम करवाने के लिए आता है उसको भी रोकने का काम तुम करते हो। नहीं, जैसे आपने बताया इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं उसके लिए कंप्लेंट बीएमसी में जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर इंक्वायरी होती तो मालूम पता चलता है ज्यादा लोग। तो मेरी बात सुनो, तुम एक बहुत जवाबदार एक टीवी चला रहे हो, जब तुम बोल रहे हो कि एमएलए सब आता है तो एमएलए सब काम क्यों नहीं रोकता है?
एमएलए को आप पूछते क्यों नहीं हो? सही है, अब वो मंत्री बने हैं आपके जानकारी के लिए, अब वो मंत्री बने हैं। मैंने कोई एमएलए का बात छोड़ा नहीं, लेकिन तुम एमएलए को बड़ा बनाने के लिए सब बात को निकाल रहे हो। हमने कहा सर, तुम निकाल रहे हो, पार्टी के लोग तुम निकाल रहे हो, आते हैं तुम निकाल रहे हो इस बात को, मीडिया वाले निकाल रहे। जब तुम बोल रहे हो कि एमएलए आता है, एमएलए सब कुछ करता है, तो इतना सारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन क्यों होता है, क्यों नहीं तुलवाते? आज तो सरकार भी आ गई, पहले तो वो बोल सकते थे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, कलेक्टर कुछ करता नहीं है। अभी तो पालक मंत्री भी बन गए, पालक मंत्री भी बन गए। तो ये तो हमारी सोच है कि सर कि वहाँ जो 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 उनको पहुंच दिया कि उससे वो काम नहीं करे, लेकिन यहाँ के लोग तो गुनगाते हैं। अभी तुम अभी बहुत दो मिनट के पहले बोल रहे थे कि एमएलए आता है, एमएलए सब कुछ करता है। जो जो मार्केट जो लोग कहते हैं, हमारा कहना कि लोग क्या करें, उसको आप तक पहुँचाना या जनता तक पहुँचाना। इस वक्त हमने आपसे सवाल इस तरह से किया सर, इस वक्त पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखो, सरकार सरकार का काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, एनजीओज भी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। ये किसी एक दूसरे को दोष देने का समय भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जब इतना बड़ा संकट पूरे दुनिया के ऊपर आया है, तो उसको जितना हो सके उतना हम सब लोगों ने मिलकर उसका सामना करना चाहिए और लोगों को राहत पहुँचाने का काम करना चाहिए। ये कोई बीजेपी और कांग्रेस और शिवसेना ये सब करने का समय नहीं है। पूरी इंडिया में हॉस्पिटल की एक मनमानी चल रही है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कुछ 20 लाख 25 लाख का एक बिल बना रहे हैं, उसमें सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का क्या रवैया है? देखिए, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खोल के रखे हैं, लोगों ने वहाँ पर जाना चाहिए। अब कुछ लोगों को बड़े हॉस्पिटल में जाने का शौक है, तो उसने अपने खीसे में पैसा भी रखना चाहिए। हमने पावन धाम खोला है, 2-3 हज़ार रुपये में दिन का उनको ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। म्यूनसिपाल्टी ने बंद कर दिया, आप मीडिया के लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाया, मैं अकेला लड़ा, वापस चालू किया आज से। अब हमको म्यूनसिपाल्टी उसमें मैचिंग ग्रांट भी देने वाली है, यानी लोगों को और कम पैसे में पावन धाम में सुविधा मिलेगा। आप मीडिया के लोगों ने चलाना चाहिए कि पावन धाम जैसे 20 सेंटर मुंबई शहर में खुलने चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिलेगी। आप लोग क्या करते हो, ये 15 लाख लेता है, ये 20 लाख लेता है, ये लेता है, तो वो जो चालू है वो भी बंद हो जाता है, सरकारी लोग परेशान हो जाते हैं। सरकारी आपने पावन धाम जैसे संस्था का कितना बार बताया कि एक अच्छी संस्था, 100 बेडेड हॉस्पिटल, खाना पीना रहना सब सुविधा, 2-2.5 हज़ार रुपये में हम लोगों ने लोगों को सुविधा दी। ये दिखाओ और कमिश्नर को बोलो इस प्रकार की सुविधा खड़ी करो, एमएलए साहब को जाकर बोलो, पालक मंत्री साहब को बोलो कि कम से कम मालूनी में इतनी बड़ी जनता है उनके लिए करो करके, तो लोगों का भला होगा ना। हे करिए तिथून आपण 18 काढले बरोबर तर ती ही 18 इथून आल्या तर ह्या लाईनला पाणी येईल ना तर आपण काय करू अर्धा ब्लॉक करून इकडे पाणीचं कनेक्शन देऊन टाकू लोकांना आणि इकडचं काम पूरा करूया इकडे देऊन टाकूया नंतर हे खोलून टाकायचं मिडल वॉल मिडल वॉल चौधरी वॉल नस वॉल वॉल पण नको कॅपच करून टाका अभि मैं 4 साल के बाद में वाटर डिपार्टमेंट में काम करने वाला सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता लोगों का ये कर दो हाँ तो 6 महीना पानी लोगों को पहला मिल जाएगा और आठौड़ी वगैरह हाँ पानी मिल जाएगा ना लोगों को ठीक है भैरव मेडिकल से आप बोले थे ना जब मंच पूरा हो गया था वो निकालने अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है सर ये विषय कसा है सर हा विषय अपन अपन तुम्हें आए ना सर अपन प्रपोजल साहब फॉलो के लिए फटाफट अप्रूव घून कंस्ट्रक्शन मे गए सर तुम्हें साताड़े साहब बोलते आए थे चौधरी हमें महत ना सर साताड़े साहब फोन ना डिटेल लगे एक टेंडर मे सर काम चालू है आपका इतना पाइप है वहाँ पे इतना पानी मतलब बारिश हुआ ना इतना पानी जमा होता है क्योंकि निकलने का रास्ता ही नहीं आता बहुत एक टेंडर है मास्टर मानसून चालू कर दे सर आता है फॉलोअप
ठीक है, हम बात कर लेंगे। चले, अभी समझ में आ गया ना तुम कैसा? ये चालू कर देना, अभी कभी चालू करने का उसका तुम तारीख तय करो, कभी होगा सर। आता ही झाल्यानंतर साहेब याचं आपलं टेस्टिंग क्लोरिनेशन एवढं करून घेतो मी, मग हँड ओव्हर करून चालू महिन्यामध्ये होऊन जाईल आराम से। सर याचा जो पार्ट पोर्शन आहे ना, किती वेळ लागेल आता याचा जो पार्ट पोर्शन आहे ना आपला, जिथं जेवढा पार्ट आपल्याला करायचा आहे समजा कमिशन, त्या पार्टला एका ठिकाणी आपण कॅप टाकू, इन कॅप करून घेऊ, आणि नंतर तो पार्ट टेस्टिंग आणि क्लोरिनेशन करून घेऊ, फ्लशिंग टेस्टिंग आणि क्लोरिनेशन या तीन गोष्टी झाल्या की मग आपण कमिशन करू शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही। एक महिना मिनिमम लागेल सर, मोठा नेटवर्क सर, एक महिना मिनिमम लागेल सर। चलो ठीक आहे, एक महिने का पहिले करू। अंकल किती अंकल समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।